एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लोजेट लाइफ। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोग के साथ कोई भी क्लोथिंग हॉल शेयर करने नहीं वाली हूँ। आज मैं आप लोग के साथ ज्वेलरी हॉल शेयर करने वाली हूँ, जिसमें से काफी अफोर्डेबल आप लोग को मिल जाएगा। ज्यादा आपके बजट अगर हाई नहीं है तो मतलब जैसे 100 रुपीज के अंदर जैसे कहते हो ना, बिल्कुल वैसा। तो प्लीज आइए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए। तो आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ ये everstylist.com के कलेक्शन, जो कि काफी प्यारे प्यारे हैं। इनका पेज आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, अराउंड 9 लाख समथिंग इनके फॉलोअर्स भी है, आप एक बार चेक कर लेना। और इनकी वेबसाइट भी है जहां से मैंने वेबसाइट से परचेस किया है। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, ये टीनेजर्स इतने खुश होने वाले ना, इतने प्यारे प्यारे लेके आई हूँ। सब प्राइस अराउंड 98 रुपीज, 94 रुपीज, 100, 105, ऐसे काफी अफोर्डेबल है एंड काफी क्यूट क्यूट है। जो डेली गोइंग गर्ल्स है, कॉलेज जाती है, ट्यूशन जाती है या बाहर जाना पसंद करती है, या उनको रोज ऐसा है कि रोज नए नए इयररिंग्स पहनना पसंद है, बट बजट में रुपीज 100, 50, 20 ऐसे। एंड जो दिल्ली वाले होंगे उन्हें अफोर्डेबल बहुत पसंद होता, और जो दिल्ली में नहीं है उनको लगता है यार काश मैं भी दिल्ली में होती। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी इतने प्यारे प्यारे अफोर्डेबल आप इयररिंग्स ले सकते हो। मैं एक एक करके आपको दिखा दूंगी एंड यू विल डेफिनेटली लव इट। तो लेट मी शो यू द फर्स्ट वन, जो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। ये देख लो, यहाँ पे टैग है everstylist.com का। काफी प्यारा सा ये इयररिंग है, गोल्डन, जो कि आप इसको पहन सकते हो कुर्ती वगैरह, सूट वगैरह, नॉर्मल वेस्टर्न वेयर में। व्हाइट कलर के पर्ल्स दिए हुए, मेटल के बने हुए, काफी क्यूट सा लगा है मुझे। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि अगर ये अफोर्डेबल है 99 रुपीज या ऐसे इस टाइप के प्राइस के है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी क्वालिटी सुपर्ब है, बहुत अच्छे क्वालिटी की है। तो यू कैन ट्राई दिस आउट। ये पहला था जो मुझे बहुत पसंद आया। साइड में आपको स्क्रीन में आपको इसकी वीडियो देख रही होगी कि ये कैसा लग रहा है पहनने के बाद, बहुत ज्यादा प्रेटी लग रहा था। तो अगर शादी वादी है घर में और आपको ज्यादा हैवी पहनने का मन नहीं है तो इस टाइप के लाइट वेटेड आप आराम से पिक कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये पिंक कलर के ये लीफ वाले इयररिंग है। सबके जो वेट इतने लाइट है ना कि जैसे अगर देखने में हैवी भी लग रहे हैं तो ये हैवी नहीं है, कानों पे आपके जोर नहीं पड़ेंगे, बहुत ही लाइट वेटेड है। जैसे मैं ना बहुत ही, आपको देख के पता चलता होगा मैं बहुत ही कम इयररिंग्स पहनती हूँ, क्योंकि ना मैं देखा है हैवी इयररिंग्स पहनने के बाद मम्मी लोगों का क्या, कानों का क्या हाल हो चुका है, उन्हें बेचारे लोगों को ईयर लोब्स कराने की जरूरत पड़ रही है। तो मैं नहीं चाहती इन फ्यूचर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। तो इस टाइप के लाइट वेटेड बहुत ज्यादा सही होते हैं। ये देखो दूसरा सा, ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का, ये भी एथनिक वेयर के साथ बहुत ईजिली जाएगा। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, नेक्स्ट ये क्यूट सा है देखो। ये येलो भी नहीं है, ग्रीनिश भी नहीं है, लाइन कलर का है बिल्कुल। एंड ये आप आराम से पहन सकते हो वेस्टर्न वेयर या कोई भी, ये भी बहुत ही लाइट वेटेड एंड प्यारा सा है। सारे के प्राइस मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, यू कैन जस्ट चेक इट आउट कौन सा क्या प्राइस है। या तो आप सीधा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो जाके चेक करना। ये बहुत ही क्यूट सा लगा, ये मैं खुद को रोक नहीं पाई एंड क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी जो ऐसे लोकल वेंडर्स वगैरह में नहीं मिल जाते सस्ते वाले 20-50 रुपीज वाले, वैसे क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये 100 रुपीज के भी है तो ये बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ है। I hope you guys will love it. ये थर्ड वाला है जो मुझे काफी ज्यादा प्यारा लगा, मैं आपको नेक्स्ट सिखाती हूँ। Hey guys, तो रुको पहले मैं कुछ बातें कर लेती हूँ। तो बात ये है कि समर आ चुका है, तो समर में सनस्क्रीन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आज मैं सिर्फ 3 डिफरेंट सनस्क्रीन के बारे में बात करने वाली हूँ, वो भी मामा अर्थ, माई फेवरेट ब्रांड। तो ये दो तीनों सनस्क्रीन का डिफरेंस बता देती हूँ। पहली बात तो ये है विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन विथ विटामिन सी एंड टर्मरिक। दूसरा है अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विथ कैरेट सीड्स एंड टर्मरिक। एंड जो लास्ट है वो राइज सनस्क्रीन जेल विथ नायासनामाइड एंड राइज वाटर। तो ये 3 सनस्क्रीन के बारे में बात करूंगी जो मामा अर्थ ने लॉन्च किया है एंड ये न्यू है। तो ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसको ट्राई करने का बड़ा ज्यादा मन कर रहा था। इसकी कंसिस्टेंसी एंड अब्सॉर्ब पावर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मामा आपके प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं, आपको ही पता है प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, तो आपको कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। जब सनस्क्रीन लगाओगे ना, बहुत सारे सनस्क्रीन आपके हाथ में स्टिकी स्टिकी हो जाता है, इनके सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं होते। समर में सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, जब भी आप बाहर जाओ मेक श्योर यू अपने प्रोडक्ट। आपको अमेजॉन नाइका पर्पल पे बहुत इजिली मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड closet2023 फॉर इंस्टेंट 20% डिस्काउंट। अगर आपने इनके सनस्क्रीन ट्राई नहीं किया ना, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। 3 डिफरेंस आपको वेरियंट्स का मैंने सनस्क्रीन दिखा दिया है। एंड राइज वाटर इसलिए है क्योंकि इसकी जो ग्लो आएगी राइज वाटर से वो आपको दिखेगा। एंड सबसे अच्छी बात है नायसिनामाइड, वो भी बहुत बड़ा रोल करता है ग्लो के लिए, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, इसलिए मुझे इसको ट्राई करना था, तो मैंने इसलिए इसको मंगाया है आपसे। मैं ये वाला ट्राई करूं क्योंकि नायसिनामाइड की मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन हूं। एंड इसमें पता है यूवीए एंड बी प्रोटेक्शन भी है, एसपीएफ 50 मिल जाएगा आपको, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। मामा की एक इनिशिएटिव बहुत अच्छी लगती है, आप जब भी मामा से कुछ भी बाय करोगे ना, वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं। तो लाइक ट्रीज एज ए प्लांट, अब तक उन लोगों का एम है कि 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करेंगे। ग्रेट इनिशिएटिव।
इनके जितने भी प्रोडक्ट्स है ना वो हार्मफुल केमिकल से बिल्कुल फ्री है, तो आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हो, एंड सारे के सारे नेचुरल है, तो इसीलिए तो मैं मामा प्रेफर करती हूँ। तो अगर आपने भी अगर ये केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करना बंद नहीं किया ना, तो आपका भी फेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो केमिकल प्रोडक्ट्स बंद कर दें एंड नेचुरल प्रोडक्ट पर ट्राई करें, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड क्लोजर 2023 फॉर इंस्टेंट 20% डिस्काउंट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी ये नायासिनामाइड वाला सनस्क्रीन एक बार ट्राई करना, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया, ये तीन सनस्क्रीन में आपको जो भी पसंद आए आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये राइस वाटर अगर आपको थोड़ी स्किन में ग्लो भी चाहिए ना, तो नायासिनामाइड वाले यूज कर सकते हैं। नायासिनामाइड का काम भी है, जो डार्क स्पॉट भी है वो भी आपका कम करेगा, तो एंड आपकी स्किन को बिल्कुल भी केकी नहीं बनाएगा। नेक्स्ट ये छोटू सा लिया है, जो प्रॉपर एथनिक वेयर में आराम से जाएगा, सिंपल सा है ये, जिन्हें ज्यादा लंबी या ऐसे पहनने का मन नहीं करता तो इस टाइप के सिंपल वाले भी पहन सकते हैं, बाकी क्यूट क्यूट से है, मेटल के है ये भी। नेक्स्ट है ये क्यूट सा, ये भी देखो, ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी यार, बहुत ही क्यूट है। अगर किसी डेट वेट पे जा रहे हो, इस टाइप का पहनने का मन कर रहा है, एक बार किसी में भी जाएगा, इसमें आपको मल्टी कलर के भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो, ये बड़ा क्यूट सा लगा मुझे ये। एंड सबसे अच्छी बात पता है कि जो वेट है ना, मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा मेरे लिए ही बनाया गया, क्योंकि इतने लाइट वेटेड है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट है ये वाला छोटे सा, बिल्कुल जिन्हें छोटा छोटा पसंद है ना वो ये आराम से ले सकते हैं। मुझे इनके कलेक्शंस बहुत अच्छे लगे, काफी अफोर्डेबल कलेक्शंस थे, तो यू गाइस कैन चेक इट आउट। ये देखो कितने प्यारे से है, ये मार्बल टाइप का लग रहा है, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसका बैक का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कई बार चीजें होती है आगे फ्रंट में काफी अच्छा लगता है, बैक में अच्छा नहीं लगता, तो इनका देख लो फिनिशिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, तो बहुत प्यारा लग रहा था ये, तो ये मुझे काफी प्यारा लगा। तो अगर आपको और भी बहुत सारे कलेक्शन देखने, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टोटल कुछ कुछ लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है 1000 रुपीज में मुझे काफी सारा हो गया, 1000 रुपीज का मैंने टोटल परचेस किया था, 1000 रुपीज में मेरे को टोटल 1 2 3 4 5 6 7 मिल गए मुझे 1000 रुपीज में, काफी प्यारा है। एक ये है देखो, क्लम्बी सी, जो कि आप गाउन वगैरह में पहन सकते हो, व्हाइट कलर का, व्हाइट पोल्स है, एंड व्हाइट कलर तो किसी में भी जाएगा। आई डोंट थिंक सो 1000 रुपीज, मुझे याद नहीं आ रहा है कितने में मैंने लिया था, आई थिंक 1000 या 800 समथिंग के अराउंड में मैंने लिया था, एंड काफी प्यारे प्यारे कलेक्शन है, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको इस टाइप के लॉन्ग वाले पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली पिक दिस वन गाइस। एंड ये था मेरा आज का कलेक्शन इयररिंग्स का, सबको अच्छे लगे होंगे आई होप। अगर इस टाइप के और भी हॉल चाहिए, मतलब ज्वेलरीज वगैरह में, तो प्लीज लेट मी नो, मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज्वेलरीज के और भी आपको कलेक्शन लेके आऊंगी। तो प्लीज आज मैं भी जाओ कमेंट करो कि इसमें से सबसे ज्यादा आपका फेवरेट कौन सा लगा, या और भी कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।